बड़ी खबर बताएंगे खरगोन से, जहां मेले में मटका कुल्फी खाने से 40 लोग बीमार हो गए हैं। 16 बच्चे इसमें शामिल बताए जा रहे हैं, दो की हालत गंभीर है। ये बड़ी खबर खरगोन से, जहां मेले में सभी ने मटका कुल्फी खाई थी, लेकिन ये मटका कुल्फी खाने के बाद 40 लोग बीमार हो गए, जिनमें 16 बच्चों की स्थिति बताई जा रही है। दो की हालत गंभीर बनी हुई है। 16 बच्चे इसमें शामिल हैं, सभी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। मैनगांव थाने के राजपुरा के पास का यह मामला, मटका कुल्फी खाई थी। दरअसल सभी मेले में घूमने गए थे और 40 लोग बीमार हो गए, इनकी तबीयत बिगड़ गई। 16 बच्चे भी इसमें शामिल है, तस्वीर आप देख सकते हैं। तो सभी का इलाज फिलहाल जारी है, जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया है। मैनगांव थाना क्षेत्र के राजपुरा और छटल गांव के बीच बताया जा रहा है, यहां पर रेणुका माता का मेला लगा था और इस दौरान मेले में गए थे सभी लोग। आसपास के गांव के लोग पहुंचे थे मेले में, मटका कुल्फी खाई और जिसने भी वो मटका कुल्फी खाई, सभी की हालत खराब हो गई। हम रेणुका माता के मेले में गए थे, वहाँ विजय पिसा दगड़ू के यहाँ से कुल्फी खाई, मैंने भी खाई और मेरी बच्ची 3 साल की है उसने भी खाई, उससे उल्टे दस्त होने चालू हो। तो देखिए खरगोन में जहाँ मटका कुल्फी खाई थी, जैसे कि आपने सुना भी, सभी ये कह रहे हैं कि हमने मटका कुल्फी खाई थी और तबीयत अचानक से बिगड़ गई। रेणुका माता के मेले में यहाँ पर घूमने गए थे आसपास के गांव के लोग, जिन ने भी एक ठेले पर से मटका कुल्फी खाई, वहां उनकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती चली गई और 40 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिसके बाद आनन फानन में इन सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया। बच्चे भी शामिल हैं इनमें, सभी का इलाज जारी है। 16 बच्चे बताए जा रहे हैं, तस्वीरें देखिए। 2 की हालत अभी गंभीर बनी हुई है और जैसे जैसे सभी बीमार पड़ने लगे, सभी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। फरीद शेख हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। फरीद, क्या कुछ जानकारी और क्या स्थिति बताई जा रही है अभी सभी की? जी जी, फिलहाल तो स्थिति सभी मरीज ठीक है। उसमें जो बच्चे हैं, हम देखे तो बच्चों की स्थिति काफी गंभीर थी, उसमें से 2 की स्थिति गंभीर बताई गई, बाकी सारे स्थिति कंट्रोल में। लेकिन हम देखें तो जिस तरह से ये घटनाक्रम घटा है, तो कहीं ना कहीं हम देखें तो एक जो मटका कुल्फी खाने से इतने लोग बीमार हुए और जो मेले में जो घटनाक्रम हुआ, उसको लेके काफी परेशानी का काम हो गया था। जो बच्चे हैं उसमें बच्चे काफी बीमार हुए थे और उन्हीं के ऊपर काफी असर होगा। लेकिन फूड पॉइजनिंग का ये मामला है और जिस तरह से मेले में जो घटनाक्रम घटा है, उसे लेकर अब आगे सतर्क रहने की आवश्यकता है। फरीद, जिस ठेले पे से इन सभी ने मटका कुल्फी खाई है, अभी क्या उनसे पूछताछ की जा रही है ठेला संचालक से? अभी उसके खिलाफ क्या कोई कदम उठाया जाएगा? स्वास्थ्य विभाग का या जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है? फुटकर व्यापारी होते हैं, छोटे परिवार के लोग हैं जो इस सबसे जो कुल्फी बेचने काम करते हैं। हालांकि उसकी कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर रही होगी, जब कुल्फी का निर्माण किया होगा तो हो सकता है कि मटका कुल्फी निर्माण के दौरान कोई ऐसी वस्तु या फिर ऐसा कोई जानवर इसमें गिर गया हो, चिपकली भी हो सकती है, अन्य चीजें भी, जिसकी वजह से इस तरह का घटना। हालांकि प्रशासन इस मामले में जांच जरूर करने की बात कर रहा है, लेकिन अमूमन इस तरह की घटनाएं होती नहीं है। लेकिन ये एक बड़ा लापरवाही का मामला भी कहा जा सकता है कि दूध से बने उत्पाद हैं, हो सकता है मलाई या फिर उसमें जो बिल्कुल जब बनाई जा रही थी इस मटका कुल्फी को बनाया जा रहा था, हो सकता है उस समय किसी तरह की लापरवाही हुई हो। फिलहाल शुक्रिया आपका फरीद, जानकारी साझा करने के लिए।